जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुख्तियार खान जदून की खसूसी हदायत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 हरिपुर में सालाना इंस्पेक्शन का इनेकाद किया गया। सालाना इंस्पेक्शन मेम्बरान सजाद अजीज, डॉक्टर तारिक कनोली, काजी मोहम्मद जावेद और नसार अहमद स्कूल आमद पर इंस्पेक्शन टीम का वालियाना शानदार इस्तकबाल किया गया। स्कूल एजाज के तुलबा ने मेम्बरान ग्रामी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 के प्रिंसिपल अख्तर खान जदूर ने वेलकम किया। मॉर्निंग असम्बली में तलावत कुरान करीम, नात रसूल मकबूल, कौमी तराना, दुआए इकबाल पेश की गई और बच्चों ने वालदैन की अजमत और कश्मीर फलस्तीन के हवाले से तकरारी की। असम्बली के अख्तिताम पर इंस्पेक्शन टीम के मेम्बरान और प्रिंसिपल ने अपने ख्यालात का भी हजार किया। इंस्पेक्शन टीम ने इंस्पेक्शन के बाद बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। और बेरे और दरख्त सब इसके आगे सर तक करते हैं और आसमान को उसी ने बुलंद किया और उसी ने तराजू तंग की है कि तुम तोलने में जुल्म ना करो और इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कमी ना करो। वस्सलाम। Allah, 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 Allah.
دعاه لحضراته
को खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, दिल हो मेरे बचपन के कातिल हो, ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं, ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने, रोएंगे बदन के जख्म मेरे जब रूह के जख्म दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, की खातिर सभी माँ बाप यहाँ पर, औलाद की खातिर सभी माँ बाप यहाँ पर क्या क्या नहीं करते हैं जतन, देख जरा देख, आज मेरी तकरीर का उन्वान तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार है, जनाब सदर मोहतरम मुसाफिर इकराम और मेरा मख्तिब साथियों अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन के किरदार पर तो मैं कुर्बान, मेरी दुनिया मेरा सारा जहां कुर्बान, मैं जब माँ को देखता हूँ, जी हाँ जनाब वाला, माँ एतबार गर्दिश है, लैलो नहार है, माँ आईना रहमत है, परवरदिगार है, कहते हैं माँ की गोद है वो पहली दर्शगा जिस पे तमाम जिंद का दारा मदार है, औलाद के डर जाने पे मुझे तो न सोने वाली माँ, कौन माँ औलाद के लिए कुर्बानियों की दास्तान बन जाने वाली माँ, कौन माँ औलाद के पहले कदम पे अपने हिसाब का सहारा देने वाली माँ, कौन माँ औलाद की भूख मिटाने के लिए हमेशा भूखी सोने वाली माँ, कौन माँ औलाद की रात देर से घर लौटने पे सारी रात वादा तकने वाली माँ, और बाप जनाब अली क्या करता है बाप औलाद की परवरिश पे अपना जिस्म निचोड़ देता है, बाप क्या करता है बाप औलाद के बचपन पे अपना निजाम अपना जिस्म निचोड़ देता है, बाप क्या करता है बाप औलाद के जज्बात की हिज्जत पे अपनी हजारों की बर्फ को पिघला देता है, बाप मेरे वालिद का तसर्रुफ है मेरा अर्ज हुनर, मेरे वालिद का तसर्रुफ है मेरा अर्ज हुनर, वरना मैं बदम अदब में नहीं पाया जाता, लेकिन सदर अली मर्तबत तालीम तरबियत में वालिदैन का किरदार स्कूल से पढ़कर एस्केप रखता है, देखिए बगदाद की तरफ कम से इनको वर्दा सर के सफर का ऐसा मुसाफिर बना देती है कि डाकों के सरदार की काया पलट जाती है, तालीम तरबियत में वालिदैन का किरदार अब्दुल कादर को शेख जीलान बना देता है, तालीम तरबियत में वालिदैन के किरदार की इब्तदा इब्राहिम के बेटे को ऐसा मुसाफिर बना देता है कि डाकों के उत्पाद भी पुकार उठते हैं, ये फैजान नजर था या कि मकतब की कलामत थी, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किससे इस्माइल को आदाब फरजंदी, वस्सलाम। आखिर में डीओ एजुकेशन मुख्तियार खान जदून और डिप्टी डीओ ने भी स्कूल एजा का विजिट किया और क्लासेस का दौरा करके बच्चों की अनसाबी और अमनसाबी सरगर्मियों का जायजा लिया और स्कूलों में खूबसूरती और लिबास के साथ साथ यूनिफॉर्म और दीगर वाजबात भी खूबसूरत अंदाज में सराए गए। डिप्टी डीओ और डीओ एजुकेशन मुख्तियार खान जदून ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 के प्रिंसिपल को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ज़िला हरिपुर के लिए ये एक नमूना है जिस पर तमाम तुलबा और तलबात और टीचर्स ने भी ख्यालात कहा कि हमारे स्कूल का मयार दूसरे स्कूलों से बेहतर हो रहा है। कैमरा मैन दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक का नाम है एसिड रिप्रोडक्शन। अभी मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ।
इसका जो पहला पार्ट होता है उसका नाम है फ्लावर। फ्लावर एंड डिपो द फिफ्थ पार्ट है। इसकी जो भी जगह होती है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, लीव, सेपल और पेटल। सर ये जो इसकी जगह की जगह है यहाँ पर दो तरह के लीव होते हैं पार्ट होते हैं। एक का नाम है मेल और एक फीमेल। जो मेल होते हैं उसमें मुझे छोटे छोटे से कॉलम ग्रेन होते हैं वो हवा या इंसेक्ट्स वाटर की मदद से जब कार्पल पे जब पड़ते हैं जब वो ओव्यूल में आ गए तो इस मेथड को हम पोलिनेशन कहते हैं। जब वो ओव्यूल में आके जब फ्यूल होते हैं तो एक एग की जरूरत इख्तियार करते हैं जिसे हम जायगोट कहते हैं। जब वो जायगोट ग्रो करता है तो वो एक सीड बनता है जिसे मेथड को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का मेथड होकर रहता है जब सीड बन जाता है तो जब उसको हीट मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, वाटर मिल जाता है, जब उसकी सब चीज़ें पूरी हो जाती है तो वो एक प्लांट बनता है जिस मेथड को हम जर्मिनेशन कहते हैं। इसी तरह से ये मेथड दोबारा से शुरू हो जाता है फिर इस तरह दोबारा प्लांट फ्लावर फ्लावर सीड फिर दोबारा प्लांट इस तरह दोबारा।